कश्मीर का जो हिस्सा अभी तक हिंदू के कब्जे में है, यह हमारी गैरत का मसला है, यह पाकिस्तान के अपने तहफुज का एक मोर्चा है। अगर अहदीस गजवा हिंद जो मुख्तलिफ असनाद से हैं और उनके मुख्तलिफ मबाहिस हैं और उन अहादीस की रोशनी में अगर उसका किला है तो वो पाकिस्तान है और पहला मोर्चा है तो वो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर। लिहाजा श्रीनगर का मसला किसी का नहीं। श्रीनगर की जंग अगर वहां ना लड़ी गई तो खुदा न खास्ता फिर इस्लामाबाद में लड़नी पड़ेगी। श्रीनगर के महसूर मुसलमानों की आज उनकी मुसीबत पर उनका साथ न दिया गया, अमलन सिर्फ सफारती या यकजेती, ये लफ्ज तो सुन सुन के अपना मतलब ही खो चुके हैं। उन्हें जिस मदद की जरूरत है जो हमें 370 आर्टिकल के खात्मे के दूसरे दिन ही अमलन करनी चाहिए थी और अभी तक उसके बारे में गोमगो की पॉलिसी से फायदा भारत को हो रहा है, वो तो कब्जा करके बैठा है और उसने किसी का प्रेशर नहीं लिया। तो हम क्या इसी पर ही गुजारा करेंगे कि एक तकरीर की है और उसमें बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, क्या वो कोई तकरीरी मुकाबला था? बात तो थी कश्मीर की जंजीर टूटने की। अगर उस तकरीर के बाद कश्मीर की जंजीर टूट जाती तो हम सारे दाद देते कि माशाल्लाह तकरीर बड़ी अच्छी हुई है। और अगर गुलामी का वो जंजीर उसी तरह है बल्कि मजालिम बढ़ गए हैं पहले से, तो हमें तकरीर की जरूरत नहीं, हमें शमशीर की जरूरत है। और इससे कि वहां पर जाकर यानी शरीयत इस्लामिया के अंदर एक बस्ती पर अगर काफिर कब्जा कर ले और बस्ती हो मुसलमानों की, तो शरीयत कहती है हमारा दीन हमारे फुकहा के जो साथ वाले चारों तरफ से मुसलमानों की बस्तियां हैं सब पर जिहाद फर्ज हो गया है, वो जो वैसे फर्ज किफाया था। फिर अगर वो काफी नहीं थे छुड़ाना के लिए कब्जा, दो ही सूरतें थे, या वो साथ वाले एरिए भी उनके मुसलमान भी गए कब्जा छुड़ाने के लिए, या वो सुस्त हो गए गए और ना छुड़ा सके, तो फिर इससे आगे फर्जियत बढ़ गई। वो जो दरमियान में सुस्त हुए वो मुजरिम करार पाए, आगे फर्जियत बढ़ी, अगले वो आते हैं या नहीं आते। तो इस बेस पर एक बस्ती का कब्जा छुड़ाने के लिए इस्लाम कहता है शर्क व गर्ब के सारे मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो जाएगा। ऐसा फर्ज कि अब औरत अपने खामन से पूछने की मोहताज नहीं, कि खामन से वैसे तो गली में कदम नहीं रख सकती खामन से पूछे बगैर, लेकिन दीन कहता है अब खामन के हक से बड़ा हक इस्लाम का है। ये पहुंचे मैदान जंग में जहां पर इस्लाम की सरजमीन पे कब्जा हो चुका है और जो जर खरीद गुलाम होता है उसके लिहाज से इस्लाम का हुक्म है, अब मालिक से ना पूछे, अब अल्लाह का हुक्म उसकी फरमाबरदारी के लिए ये पहुंचे मैदान जंग में।